हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका रजत शर्मा। अगर आपने भी कभी अमेज़ॉन से कैश ऑन डिलीवरी पर सामान मंगवाया हो और आपको पसंद ना आए, तो उसे कैसे आप रिप्लेस या रिफ़ंड कैसे करवा सकते हैं। मैंने ये 16 तारीख को ऑर्डर किया था और मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने रिटर्न का ऑप्शन डाला, पर लेकिन मैंने कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाया था सामान। ये देख सकते हो आप, पे ऑन डिलीवरी। तो इसका रिफ़ंड मुझे कैसे मिलेगा? ना तो मैंने अकाउंट अटैच किया था इस पर अमेज़ॉन पे, ना अमेज़ॉन पे का अकाउंट मैंने बनाया था। रिटर्न आपने रिटर्न तो कर दिया, रिटर्न वाला ले गया, लेकिन पैसे ना अकाउंट में आए, ना आपको कैश कोई दे के गया, ना तो आपके अमेज़ॉन पे में आए, तो कैसे आपको रिफ़ंड मिलेगा? उसकी आप टेंशन ना लें, 2-3 वीक के बाद आपको अमेज़ॉन से ऐसा चेक रिसीव होगा जो कि मैंने मंगवाया था 1199। इस चेक का वो कैसे आपको करना है प्रोसेस, वो भी मैं बता दूँगी। ये चेक का आपको आएगा कि आप किसी भी अपना बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो, तो वो आपको 2-3 दिन में वर्किंग डेज में आपको पैसे इसके ट्रांसफ़र करते हैं। 3 महीने के लिए वैलिड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिड फॉर 3 मंथ्स डेट ऑफ इशू। ये इशू हुआ 24/4/2023 को, 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर 3 महीने में आपने नहीं करवाया तो आपका ये चेक पेपर जो है ब्लैंक हो जाएगा, और इस पे नेम आपको करेक्ट होना चाहिए। और अगर नहीं, आपका नेम गलत वगैरह है, तो उसका भी मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे जाना है, कस्टमर सर्विस पे जाना है। यहाँ पे आपने जो रिटर्न रिफंड किया होगा उसकी ऑप्शन आ जाएगी, जैसे कि इसके रिलेटेड। यहाँ पे रिफ़ंड स्टेटस वगैरह पे आपको पता लग जाएगा, आई डोंट हैव अ रिफंड येट, यहाँ पे करोगे। और जो आपको अमेज़ॉन की तरफ से कॉल आएगा कि क्यों नहीं मिला चेक होने के बाद भी, जब आपका चेक इशू हो जाएगा उस दिन से आपको ये आ जाएगा। लेकिन आप बार बार बैंक में चेक करोगे तो बैलेंस नहीं, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा चेक आएगा तो ही आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ से आप बात करके अपने चेक क्लियर कर सकते हैं।